GNDU कॉलेज लुम्बिनी पठानकोट में फैशन डिजाइनिंग डिपार्टमेंट द्वारा वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप में 100 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। वर्कशॉप के पहले दिन में बच्चों को टाई एंड डाई सिखाकर शुरुआत की गई। यह वर्कशॉप एक सप्ताह के लिए लगाई जाएगी, जिसमें छात्राओं को टाई एंड डाई, बालिक स्टैमिल प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग और ब्लॉक प्रिंटिंग सिखाई जाएगी। इस अवसर पर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राकेश मोहन शर्मा द्वारा डिपार्टमेंट और छात्राओं को बहुत बधाई दी गई। राकेश मोहन शर्मा द्वारा डिपार्टमेंट और छात्राओं को बधाई देते हुए उन्होंने बच्चों और डिपार्टमेंट के अध्यापकों को ऐसी वर्कशॉप लगाते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए एक बहुत हर्ष का विषय है कि जहां हमारे विद्यार्थी एकेडमिक्स में बहुत उच्च पोजीशन हासिल करते हैं, वहां हमारे कॉलेज का फैशन डिजाइनिंग डिपार्टमेंट पिछले साल जिसने यूनिवर्सिटी की टॉपर पैदा की थी, अभी जिसने 5-6 यूनिवर्सिटी की पोजीशन पैदा की थी, वो बच्चे सिर्फ थ्योरी में नहीं बल्कि मैडम पूजा गुप्ता के नेतृत्व में बहुत अच्छे अच्छे ये जो टाई एंड डाई, स्टेंसिल मेकिंग, शिबोरी डाई और इस तरीके के कार्य कर रहे हैं, इस तरह की पेंटिंग कर रहे हैं, इस तरह के सामान बना रहे हैं जो वास्तविकता में सिर्फ सुंदरता ही पैदा नहीं करते बल्कि घरों में भी उनका प्रयोग हो सकता है। मुझे अच्छी तरह याद है पुराने ज़माने में जब बेटी की शादी होती थी तो वो सारे का सारा दहेज बनाने में 10-12 साल उसके लग जाते थे, और आजकल की बच्चियाँ इतनी क्रिएटिव हो चुकी हैं। मैंने देखा है कि कितनी सुंदर बॉटल्स को इन्होंने बहुत खूबसूरत ढंग से सजाया है, इसमें शीशे लगाए हैं, इसको और ये इतनी टाई एंड डाई की है। ये एक बहुत वंडरफुल प्रोग्राम है, इससे बच्चों के जीवन में उत्साह होगा, इसके बच्चों के जीवन में क्रिएटिविटी आएगी, और मुझे ये बड़ी प्रसन्नता है कि हमारा जो फैशन डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट है, जो पूजा गुप्ता हैं, ये साथ में अपने मैडम निधि को लेके आई हैं, साथ में मैडम अंजलि को लेके आई हैं, और ये तीनों की त्रिमूर्ति जो है अपनी नन्ही नन्ही बेटियों को बहुत आगे तक ले जाएंगी। पठानकोट से कैमरामैन अभिषेक भारद्वाज के साथ अजय सैनी की रिपोर्ट।